Tadan का जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही मतलब स्टेबल है, बॉडी रोल जीरो है, जीरो। कभी हमें कोई पार्किंग स्लिप मिलती है या कोई टोल की पर्ची मिलती है, आप सीधा यहाँ पर लगा दीजिए। स्कोडा इसके अंदर एक स्पेशल नट कैप्स देता है जिसे आप कुछ भी कर लो किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल सकते। जो भी स्लाविया लेना चाहते हैं मैं सभी को कहूंगा कि 2-3 लाख रुपए ना बचाएं, इसका जो 1.5 वाला वेरियंट है उस पे लें। आप लोगों को ध्यान होगा हमने कुछ समय पहले स्कोडा स्लाविया 1.0 की वीडियो बनाई थी, काफी लोगों की क्वेरी आई की 1.5 के बारे में भी बताइए। उसी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्कोडा की स्लाविया स्टाइल 1.5 ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये स्कोडा स्लाविया का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इस गाड़ी में इसके ऊपर कुछ नहीं आता है। और इसके अंदर आपको डीएसडी गियरबॉक्स मिल जाता है, जो बाकी के गियरबॉक्सेस आते हैं सीवीटी टॉर्क कन्वर्टर, उन सबसे ये कई मायनों में बेटर है। ये स्कोडा स्लाविया का 2023 की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी है। काफी कम वीडियोस हैं इसके YouTube पर, अभी हमें मौका मिला है कि इस 2023 के वेरिएंट के टॉप मॉडल का वीडियो बनाने का, और हम आपके सामने आज इसको लेके आए हैं। इस गाड़ी की डिलीवरी अभी लगभग 10 दिन पहले ही हुई है और ये गाड़ी हमको लगभग ऑन रोड 21,10,000 के आसपास पड़ी है। इस गाड़ी की डिलीवरी जयपुर के अंदर हुई थी, जयपुर राजस्थान। आज अगर आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो क्या आपको कुछ फर्क मिलता है 2022 और 2023 के एक्सटीरियर के अंदर? नहीं भाई साहब, आपको कोई फर्क नहीं मिलता है। इसका जो फ्रंट है एग्जैक्टली सेम आता है, सेम एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप है, सेम एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाती है, साइड लाइन बिल्कुल सेम है, डायमेंशन सेम है, 16 इंच के आपको बढ़िया चौड़े अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एक एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपने अगर हमारा पुराना स्कोडा स्लाविया का वीडियो देखा होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर TSI की बैजिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन अब स्कोडा इसको 2023 में TSI की बैजिंग भी आपको इसके अंदर देता है। बाकी इसके रियर की बैजिंग सारी एग्जैक्टली सेम आती है जो आपको पहले मिला करती थी। वही बढ़िया फीचर आता है कि आप इसके रिमोट से इसकी बूट को ओपन कर सकते हैं। मैं इसमें भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, देखिए। और बूट खुली गया है तो आपको इसका अच्छा खासा बड़ा बूट भी दिखा देते हैं। इस बूट को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप इंप्रेस होंगे। देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है इसमें आपको। चलिए इसकी बूट को करते हैं बंद और गाड़ी के अंदर चल के इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। स्लाविया जैसा कि आप जानते ही हैं एक सेडान गाड़ी है। अमूमन तौर पे आपको पता ही है कि जो सेडान्स होती हैं सेडान नीचे होती है, लेकिन स्लाविया बिल्कुल भी नीचे नहीं है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बेस्ट इन क्लास है, इसमें आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। डोर की थड सुन लेते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है स्कोडा, 5 स्टार से नीचे ये लोग बात नहीं करते। चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा साउंड आता है इस पेट्रोल इंजन का। देखिए जीरो साउंड है, कैबिन आइसोलेशन भी बहुत बढ़िया है। ये एक 1500cc का टर्बो चार्ज्ड इंजन आता है, लेकिन एज सच आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा कि हाँ हम इतने बड़े इंजन के अंदर बैठे हैं। इसका इंटीरियर आपको बताएं तो ऑलमोस्ट वही है जो पिछले साल आता था, जो 1.0 में भी आता है और इस 1.5 में भी आता है। एक मेजर डिफरेंस जो स्लाविया के अंदर करा है स्कोडा ने वो है इसका ये सेंटर टच स्क्रीन। ये पहले काफ़ी बड़ा आया करता था, एंड टू एंड आता था, अब इन्होंने इसको छोटा कर दिया है। और ये चीज़ मैंने आपको खुशाक के अंदर भी बोली थी कि मेरी नज़र में इसका रेजोल्यूशन भी हालांकि पहले से कम मुझे लगता है। स्कोडा ने स्लाविया के अंदर एक चीज़ और हटा दी है, वो है इस गाड़ी का सबवूफर। पिछले साल 2022 के अंदर जब इन्होंने गाड़ी को लॉन्च करा था तब ये लोग सबवूफर दे रहे थे स्लाविया 1.0 में भी और स्लाविया 1.5 में भी, लेकिन जब इन्होंने सेकेंड लॉट देना शुरू करा, मतलब कि आप मान लीजिए लेट 2022 के अंदर, तब भी इन्होंने 1.0 में से भी हटा दिया, 1.5 में से भी हटा दिया, 1.0 में भी स्क्रीन छोटी कर दी, 1.5 में भी स्क्रीन छोटी कर दी। ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हमने आपको बता दिए। और अगर आज आप स्लाविया लेना चाहते हैं तो हमने पुराना स्लाविया का वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें और डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें कवर्ड मिल जाएगी, एक्सटीरियर इंटीरियर रियर सीट का कम्फर्ट आगे की सीट का कम्फर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया 1.0 1.5 के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर में कोई फर्क नहीं आता है, जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इनके इंजन्स में। उसमें आपको 1000cc का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, इसमें आपको 1500cc का टर्बो इंजन मिलता है। चलिए इस इंजन की परफॉर्मेंस को गाड़ी को चला करके फील करते हैं। चलिए गाड़ी को डालते हैं डी मोड के अंदर, इसके मैनुअल हैंडब्रेक को नीचे करते हैं और देखिए गाड़ी चलना शुरू हो गई है, बहुत स्मूथ है। सेडान चलाने में एक अलग ही फील है, हालांकि मैं इतना सेडान लवर नहीं हूँ, लेकिन जब भी सेडान चलाता हूँ मुझे मज़ा बहुत आता है। देखिए गाड़ी रुकी हुई है, जीरो पर है, आपके सामने हम इसके एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं। मैं इसको पूरा नहीं दबाया है हालांकि, पर ऑलमोस्ट आधा तो दबा दिया है।
आप देखिए ये इसका ये टर्बो किक इन हुआ और गाड़ी एकदम आपको पीछे की तरफ पुल बैक इफेक्ट दिया है। 100 पहुंच भी गई है गाड़ी, गजब है इसका गियर बॉक्स। हमारे पास 1.0 है वो भी बहुत भागती है पर इतनी नहीं भागती है, और ऑब्वियसली बात भी है वो एक 1000 cc का टर्बोचार्ज इंजन है, ये एक 1500 cc का टर्बोचार्ज इंजन है। और एक चीज और बता दूं, अभी ये हम नॉर्मल डी मोड के अंदर चल रहे हैं, हमने अभी तक गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। अब इसको चेक करते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर कैसा परफॉर्म करती है। गाड़ी जीरो पर है, एक्सेलेटर को मैं वही पहले की तरह हाफ प्रेस करता हूँ। ओहो, काफी जल्दी जल्दी गाड़ी गियर बदल रही है, टर्बो पड़ गया है, ये देखिए 100 बहुत जल्दी पहुंच गए, शायद आधा टाइम भी नहीं लगा जितना समय पहले 100 पहुंचने में लगा था, उससे ऑलमोस्ट हाफ टाइम के अंदर हमने 100 टच कर लिया है। हमने आपको नॉर्मल ड्राइव मोड दिखा दिया, स्पोर्ट्स मोड दिखा दिया। एक चीज इसके अंदर और आती है वो है इसके अंदर ये मैनुअल ड्राइव करने के लिए पेडल शिफ्टर्स जो यहाँ स्टेयरिंग के पीछे मिल जाते हैं। ये 2022 में भी आया करता था, अभी भी आता है, ये 1.0 में भी आता है और 1.5 में भी आता है। चलिए इस गाड़ी को डालते हैं डी मोड के अंदर और पेडल शिफ्टर से आपको गाड़ी चला के दिखाएंगे कि पेडल शिफ्टर से ये गाड़ी कैसे चलती है। अगर मैन्युअली आप चलाने के शौकीन हैं, कभी रेसिंग कार का फील लेना चाहते हैं, देखिए गियर बदलेगा नहीं जब तक मैं बदलूंगा नहीं, ये मैंने यहाँ से गियर बदला, ये आपको सेकंड गियर में आया, फिर आप फील करिएगा गियर बदलने की बारी आ गई है। गाड़ी आपको दिखा भी रही है वहाँ पे, अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको 2 से 3 नंबर के गियर में जाना है। मैं फिर से एक बार गियर शिफ्ट करूंगा और ये चली गई है थर्ड गियर के अंदर। देखिए ये गाड़ी फिर कह रही है फोर्थ में डालिए, मैं इसको प्लस बटन को दबाऊंगा और ये गियर गया फोर्थ नंबर पर। ये जो प्रॉपर ड्राइविंग के एंथुजियास्ट लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स मोड और ड्राइव मोड भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, वो इसको एक रेसिंग कार का फील लेने के लिए पेडल शिफ्टर्स पर डाल के ड्राइव कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस गाड़ी के अंदर एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ जाती है जो 1.0 में नहीं आती है, क्योंकि वो एक 3 सिलेंडर इंजन है। ये 1.5 जो है ये आपका एक 4 सिलेंडर इंजन है, ये अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने 2 सिलेंडर बंद कर देता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी गाड़ी चल रही है। इसके अंदर गाड़ी आपके 2 सिलेंडर बंद कर देती है, जो इंजन है अभी सिर्फ अपने 2 सिलेंडर एक्टिव है, इसके अंदर ये 2 सिलेंडर पर ही हम गाड़ी को चला रहे हैं। अब गाड़ी ड्राइव कर ही रहे हैं तो इसमें आपको इसका क्रूज कंट्रोल भी बता देते हैं। देखिए काफी अलग जगह पे आता है इसका क्रूज कंट्रोल, आमतौर पर आप ऐसे देखेंगे नई गाड़ियों में। ये ऊपर एक लिवर सा आता है, एक बटन है, इसको आप ऑन में डाल दीजिए, यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे करने का बटन मिलता है। जैसे मान लीजिए हम 30 पर चल रहे हैं और क्रूज कंट्रोल डालना है, ये हमने एंगेज कर दिया क्रूज कंट्रोल। ये हम 33 की स्पीड पर चल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल में चल रहे हैं, गाड़ी के 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट भी हो गए हैं, गाड़ी सिर्फ 2 सिलेंडर के ऊपर वर्क कर रही है। देखिए मेरे दोनों पैर फ्री हैं, मैंने दोनों पैर नीचे रख लिए हैं, ये गाड़ी अपने आप 33 की स्पीड पर क्रूज के ऊपर लगी हुई है। इसकी स्पीड अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये इसका माइनस और प्लस का बटन है, ये 30 पर चल रही है और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर ये प्लस बटन से आप इसको बढ़ाइए 32, 33, 34, 35। अब ये देखिए गाड़ी अपने आप बिना मेरे एक्सेलेटर को प्रेस करे 35 की स्पीड पर पहुंच गई है और कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड पर चलेगी। ये फीचर बहुत यूजफुल है अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, लंबा जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया निकालना चाहते हैं। एक डिफरेंस आपको और हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, पहले स्लाविया के अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता था, लेकिन अब इन्होंने इसमें वायर्ड कर दिया है। आपको अगर एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो चलाना है तो आप अपनी केबल अपने फ़ोन में कनेक्ट करिए और उसको चलाइए। और आप अगर ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, आप अगर हैंड्स फ्री काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट्स का बटन मिल जाता है, आप इसको दबा करके अपने एंड्रॉयड या एप्पल का जो भी आपका असिस्टेंट है उसको कमांड दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमने आपकी सारी क्वेरीज दूर कर दी होगी, 1.0 1.5 के बीच में सारे डिफरेंसेस हाईलाइट कर दिए होंगे, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका आंसर जरूर देगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।